उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बड़ा हादसा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास काशी विश्वनाथ विशिष्ट परिक्षेत्र में येलो जोन के अंतर्गत देर रात दो मकान ढह गए। कई लोग मलबे में दब गए, उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बता दें, दर्दनाक हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं, सभी को मंडलीय अस्पताल में भेजा गया है। वहीं एक महिला प्रेमलता की मौत भी हो गई है। हादसे के बाद मौके पर तकरीबन 500 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। गोदावलिया से मैदागिन वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी के चौक थाना इलाके गोवा गली चौराहे पर यह हादसा हुआ है। यहां 70 साल पुराने मकान अचानक धराशायी हो गए। बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध जवाहिर शाव कचौड़ी वाले के ऊपर स्थित राजेश गुप्ता और मनीषा गुप्ता के इन मकानों में मलबे से 9 लोग दब गए हैं। वहीं कई लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया है, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक सिपाही भी शामिल है, जिसे कबीर चौरा स्थित मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर में ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। जानकारी के अनुसार खोवा गली नंबर 2 मकान 28/7 और 28/6 गिरे हुए हैं। बता दें, 28/6 का मकान अशोक यादव का है, इसमें 2 दुकानें हैं, माला फूल और कचौड़ी की। वहीं 28/7 रमेश गुप्ता का मकान है, इसमें 2 दुकानें हैं। दुकान के मालिक अनूप गुप्ता ने कहा कि हम लोगों के मंदिर प्रशासन को कई बार शिकायती पत्र दिया था कि यह मकान गिरवा दिया जाए, बावजूद इसके प्रशासन ने हमारी एक न सुनी। करीब 10 वर्षों से यह मकान जर्जर अवस्था में है। मकान मालिक अशोक यादव और गोरख यादव ने देर रात अपनी छत पर सोए हुए थे। मकान को हिलता महसूस कर उनकी नींद टूट गई। उन्होंने बरामदे के रास्ते से दूसरे छत पर छलांग मार दी। मौके पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदना जताई है। मंडलायुक्त ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 50 लोगों को नोटिस दी गई है, ताकि उनकी मरम्मत करवा दी जाए। नगर निगम के माध्यम से उन्हें कहीं और रहने को कहा गया है, मरम्मत के बाद अपने मकान में शिफ्ट करें। महिला की मौत पर मंडलायुक्त ने कहा कि उनके गले पर कोई भारी सामान गिर गया था, मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। बाकी 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, मुआवजे की प्रक्रिया शुरू है। बता दें, वाराणसी के चौक के पास ढहे दोनों मकानों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुखद घटना पर सुबह सुबह मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा से फोन कर वार्ता की और जानकारी भी ली। मंडल आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री को एनडीआरएफ फायर पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन तथा घायलों के अस्पताल में कराए जा रहे इलाज की पूरी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। प्रधानमंत्री द्वारा रात में गिरे दोनों मकानों में रह रहे सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए दुर्घटना में मृत महिला के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री द्वारा मंडलायुक्त को घायल सभी 9 लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।